सर, मेरा नाम छन्नूलाल है, मेरे पिताजी का नाम प्रेमनाथ है, ग्राम बिहणा, पोस्ट हटरा, जिला वाराणसी, थाना मिर्जामला, ब्लॉक शिवापुरी का मूल निवासी हूँ। सन 2005 में मैं पेड़ पर से गिर गया था, जिसके कारण मेरे बाएं पैर के कुल्हे की हड्डी टूट गई थी। उसके लिए मैं बहुत परेशान था, बहुत काफ़ी दिन से दुखी था, परेशान था, मेरे पास पैसा नहीं था। प्राइवेट हॉस्पिटलों में उसकी कीमत 1.5 से 2 लाख रुपए मांग रहे थे, उतना मेरे पास बजट नहीं था। फिर गांव में मेरी आशा दीदी से मुलाकात हुई, उन्होंने मेरा आयुष्मान गोल्डन कार्ड बनवा दिया। उसी कार्ड के माध्यम से आज मेरे बनारस में बहुत बड़ा अस्पताल में इलाज हो सका मुफ्त में, और मैं प्रधानमंत्री जी को कोटि कोटि नमन करता हूँ। और मैं पूरे देशवासियों से अनुरोध करता हूं कि जिनका आयुष्मान कार्ड न बना हो, वो भी अपना आयुष्मान कार्ड बनवा ले तथा उसका लाभ उठाए। तो आपका ऑपरेशन कब हुआ? सितंबर में सर। अभी हुआ? हाँ। तो इतने सालों तक आप परेशान रहे? हाँ सर, सन 2005 में मेरी बचपना थी ना सर, बाली उम्र। तो फिर चलना फिरना हो सकता था? हाँ, चलना फिरना, चलते फिरते थे लेकिन बैठ नहीं पाते थे, पालथी मार के, मुकुरू मार के ऐसे चलता था। अभी ठीक हो गया? अभी नहीं, अभी तो पूरा दवा चल रहा है ना, अभी तो 3 ही महीना हुआ, 3 महीना 10 रोज। हाँ, और आपको विश्वास है कि ठीक हो जाएगा? हाँ, तो अभी तो मेडिसिन चल रहा है ना सर। तो डॉक्टर ने जो बताया एक्सरसाइज करने के लिए? अभी एक्सरसाइज के लिए नहीं बोले हैं डॉक्टर, नहीं बोले हैं, बोले कि अभी 2 महीने तक दवाई खाओ, अभी सर्दी में पेन होगा, दर्द होगा। हाँ। 2 महीने तक दवाई खाओ, इसके बाद एक्सरसाइज बताएंगे। तो आपको कोई खर्चा हुआ क्या? नहीं नहीं, निःशुल्क सर। और अभी दवाई कहाँ से लेते हो? दवाई तो लेते हैं हॉस्पिटल से। नहीं, जन औषधि केंद्र से दवाई बहुत सस्ते में मिलती है, पता है? नहीं, वहाँ से मैं नहीं लेता हूँ। हाँ, तो जन औषधि केंद्र में 100 रुपये की दवाई 20 रुपये में मिल जाती है, सबको बताना चाहिए। तो गरीब का परिवार का अगर 100 रुपये की दवा लानी है तो 80 रुपया बच जाता है। ठीक है सर, तो ये सबको समझाइए। आपके गाँव में आपने और लोगों के आयुष्मान कार्ड बनवाए क्या? हाँ सर, बनवा हूँ, 10-15 लोगों को बनवा हूँ, और लोगों को बनवाने के लिए मैं बोल रहा हूँ कि जल्द से जल्द अपना बनवा ले ताकि उसका लाभ जरूरत पड़े पे उठा ले। और किसी को अभी मदद पहुँची हो, ऐसा कोई और साथी जिसको जानते हो आप? नहीं नहीं, अभी तो उसका लाभ उठाने वाला भी कोई नहीं है। अच्छा। प्रेजेंट टाइम में तो अभी अभी आयुष्मान कार्ड आपने ट्रीटमेंट करवाया? हाँ सर। तो डॉक्टरों का ऐसा तो नहीं था ना, ये मोदी जी का आदमी है, चलो जाओ तो जल्दी जल्दी वैसे ही करके फेंक दो, ऐसा नहीं, तो नहीं किया ना? नहीं नहीं सर, उन्होंने मुझे 2 सितंबर को एडमिट किया, 4 तारीख को मेरा अप्रूवल आया, फिर उसके बाद रात में 4 तारीख को ही कैंसिल हो गया अप्रूवल मेरा। उन्होंने रोक लिया, उन्होंने रोक लिया, बोले कि मैं कोशिश कर रहा हूँ, दोबारा अप्रूवल आएगा तब मैं ऑपरेशन करूंगा, क्योंकि ये सरकारी काम है, जब तक अप्रूवल आएगा नहीं तब तक मैं हाथ नहीं लगाऊंगा। फिर 6 तारीख को अप्रूवल आया तो उन्होंने मेरा 8 तारीख को ऑपरेशन किया। और आपके परिवार को विश्वास हो गया कि मुफ्त में होगा लेकिन फिर भी अच्छा होगा, टांग काट नहीं लेंगे, ऐसा तो हुआ ना? हाँ सर, विश्वास हो गया है। हाँ। तो आपको संतोष है? हाँ हाँ, मुझे संतोष है, तभी ना मैं इतना दूर चल के आया हूँ। तो आगे क्या करोगे छन्नूलाल? आगे तो अभी अब ठीक हो जाएंगे, अभी तो 8 महीने से घर पर ही है ना सर, अभी तो दवा ही खा रहे हैं, जब ठीक होंगे तो फिर सोचेंगे ना। सोचना तो शुरू करो। अरे पहले ठीक तो हो जाएं। अरे चोट तो पैर को आई है, दिमाग को थोड़ी आई है। अरे सर, मैं अपने घर पे, आप जहाँ पे बैठे हैं उतना दूर भी चल नहीं पाता। हाँ। दिन भर सोया रहता हूँ। हाँ। चेयर पे बैठा रहता हूँ। हाँ। ये तो आपके सभा में आने का मुझे चांस मिला, मौका मिला, तब मैं इतना कोशिश करके आ सका, और मैं अपने घर पे अभी दवा खाते, ऑपरेशन के बाद अभी चल पा रहे हो? हाँ, तो अभी इतना भी नहीं चलता। हाँ। जितना आप से मेरी दूरी है। अच्छा। इतना भी नहीं चलता। चलिए छन्नूलाल, आपको आयुष्मान कार्ड बहुत काम में आया, मेरी तरफ से आपको बहुत शुभकामनाएं हैं, और आप एक काम जरूर कीजिए, जितनों को भी जानते हैं उनको बताइए कि मोदी की गारंटी वाली गाड़ी आई है ना। हाँ। तो आयुष्मान कार्ड बनवा दीजिए। जी सर। और कभी भी परिवार में किसी को भी मुसीबत आ जाए। हाँ। हम तो कहेंगे कि भी ना आए, लेकिन कभी आ जाए। हाँ। तो 5 लाख रुपए तक खर्चा जो है। हाँ। मोदी कर देगा। चलिए ठीक है सर। तो बताओगे सबको? हाँ सर। कार्ड बनवा दोगे? हाँ, मैं बोलूंगा सबको।
कि आप लोग अपना अपना कार्ड बनवा लीजिए। अरे मदद भी कीजिए ना। मदद भी कर देंगे सर। चलिए बहुत बढ़िया, मदद भी कर देंगे। बहुत बढ़िया, थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद छन्नूलाल जी। अब इस कार्यक्रम की अंतिम कड़ी में बारी है सम्मान की। मैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से सादर अनुरोध करूंगी कि आप मंच पर आएं और लखपति महिला श्रीमती चंदा देवी जी को सम्मानित करें। और ये एक सुंदर अवसर है, अद्भुत अवसर है कि आप हमारे बीच सभी को आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित हुए हैं। श्रीमती चंदा देवी जी, जोरदार तालियों से इनका उत्साहवर्धन करें। और इसी के साथ मैं बुलाती हूं लखपति महिला श्रीमती मनीषा देवी जी को। ये आज की महिलाएं हैं जो भारत का एक नई पहचान, नया स्वरूप गढ़ रही हैं। जोरदार तालियां मनीषा देवी जी के लिए। और इसके पश्चात निपुण दक्षता हासिल करने वाले छात्र श्री सिद्धार्थ जी को मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ। सिद्धार्थ जी मंच पर आइए। जोरदार तालियां इन बच्चों के लिए। ये छोटे छोटे बच्चे हमारे भारत का भविष्य। अपने तालियों से इस बच्चे को आशीर्वाद दीजिए, सिद्धार्थ को आशीर्वाद दीजिए। और इसके बाद मैं निपुण छात्रा सुश्री आस्था को मंच पर बुलाती हूँ। ये छात्रा निपुण दक्षता हासिल कर चुकी हैं। अपने तालियों से आस्था जी को आशीर्वाद दें। और अंत में स्थानीय कलाकार सुश्री अंतिमा को मैं मंच पर आमंत्रित करूंगी। जदि आपणको आम भिडियोटी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।